हाय गाइस, वापस आ गया एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रोफोन साउंड टेस्ट Redmi के Buds 3 Lite का। तो इसे हम अलग अलग सिनेरियोज में यूज करके देखेंगे कि इसके माइक्रोफोन की साउंड क्वालिटी कैसे होने वाली है, और फिर बाकी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आपको आवाज आएगा जब आप बाइक चला रहे होंगे हेलमेट पहन के, पर भाई जब खुला रख के, इस सिनेरियो में बहुत सारा बैकग्राउंड साउंड होगा, पर हवा का आवाज इतना नहीं होगा क्योंकि हवा अंदर तक पहुंच नहीं पाती। होपफुली बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है और मेरी आवाज क्लियर है। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बाइक चला रहे होंगे हेलमेट पहन के। इस सिनेरियो में हेलमेट का वाइजर क्लोज है तो आपको बाहर की आवाज ज्यादा नहीं आएगी, हवा की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। पर मेन प्रॉब्लम होता है आपका अपना आवाज, तो आपका अपना आवाज बहुत इको करता है हेलमेट के अंदर, जिसके वजह से आप बहुत सारा क्रैकलिंग साउंड आएगा, मतलब डिस्टर्बेंस सुनाई देगा। तो ये अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको थोड़ा अपना वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। तो अगर आप धीरे से बात करोगे तो क्रैकलिंग कम होता है, पर आवाज इतना क्लियर नहीं होगा। होपफुली मेरी आवाज ऑडिबल है, लोग आपने जो सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं, और इसको जो क्रैकलिंग क्रिएट कर रहा है वो ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है। तो अभी हम पीजी मॉल के बाहर खड़े हैं, सत्तर वाटर फाउंटेन के पास। तो यहाँ पे बहुत पानी का आवाज आता है, होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई देगी और बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है। ओके, तो अभी हम ट्रैफिक साउंड टेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारा ट्रैफिक है यहाँ पे। मैं पीजी मॉल और एमनोरा मॉल के बाहर खड़ा हूँ, तो होपफुली मेरी आवाज क्लियर है और बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं है। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बहुत सारे लोगों के आसपास होंगे। मेरा भी फिलहाल फील कोर्ट है, तो मॉल में भी फील कोर्ट में यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों की आवाज आ रही है, से आवाज आ रही है, टीवी चल रहा है, बच्चे ले रहे हैं, बहुत खराब आवाज है। होपफुली मेरी आवाज क्लियर है। ओके, तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, तो अभी तो मैं जिस भी सिनेरियो में यूज करता हूँ आवाज इतना क्लियर नहीं था, तो मुझे तो इसके माइक का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं लगा। पर आपके ऊपर है, आपको अगर अच्छा लगे, आपके लिए जो जो सिनेरियो मैंने दिखाए आपके लिए, कोई सिनेरियो अगर आपको चूज करता है इसकी आवाज आपके लिए ठीक है तो कोई बात नहीं, आप ले सकते। पर मैं इसको माइक साउंड के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि 2000 रुपये का है। 2000 रुपये में और भी ऑप्शंस है जहाँ पे माइक बहुत अच्छे हैं। अगर आपको उनके बारे में पता करना हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी जवाब दे दूंगा। और अब बात करते हैं इसके बाकी फीचर्स की। तो ये फिट इसका बहुत ही अच्छा है, अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिट हो रहा है कान में। अगर आप हेलमेट भी अगर आप पहन रहे हैं तो ये यार अच्छे से फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है इसका, इसका बेस भी बहुत ही अच्छा है। तो साउंड क्वालिटी वाइज मुझे MI के ईयरफोन का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मेन प्रॉब्लम होता है माइक का। तो यहाँ पे भी माइक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बस ये याद रखना अगर आप गाने सुनने वगैरह के लिए ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ईयरफोन है, पर अगर आप माइक साउंड के लिए यूज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको क्लियर ऑडियो चाहिए, जब आपको
आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड का साउंड ज़्यादा दूसरे के पास ना जाए तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँ। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको कोई वीडियो इंग्लिश और मलयालम में देखना हो तो मेरे पास जो और चैनल है उनका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको दोबारा मिलता हूँ नई वीडियो।